हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको WAP-7 जो कि भारतीय रेल में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का रेल इंजन है जो कि पैसेंजर ट्रेनों के लिए बना होता है, आइए हम आपको उसे दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह है WAP-7 यानी कि W फॉर वाइड, यानी जो दो पटरियों के बीच की दूरी होती है उसे वाइड बोलते हैं। A फॉर AC यानी करंट से चलने वाली ट्रेन, और P फॉर पैसेंजर होता है, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है WAP-7। और इसमें आप जो देख सकते हैं, इसमें ट्रेन नंबर होता है, जैसे कि 39343 इसका लोको नंबर होता है। आइए अब हम आपको इसके अन्य पार्ट्स के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सामने सबसे ऊपर लाइट होती है उसे फ्लैशर लाइट बोलते हैं, जो कि इमरजेंसी यूज के लिए होती है। जो लाइट बीच में आपको जो दो दिख रही हैं वह हेडलाइट, इसके अगल बगल में होती हैं मार्कर लाइट जो कि एक प्रकार से रेड होती है और एक वाइट होती है। अब हम आपको रेल इंजन के अंदर लेके चलते हैं, जिसे कि कैब बोला जाता है, जिसमें दोनों साइड पर होते हैं, एक कैब 1 होता है, एक कैब 2 होता है। जैसे ही आप कैब में प्रवेश करेंगे, आपको लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की सीट दिखाई पड़ती है और सामने उनकी बेंच होती है जिसमें बहुत सारे पैनल लगे होते हैं। यह होता है ए पैनल जिसमें बहुत सारे स्विच लगे होते हैं, जैसा कि ये है ZPD। बताओ सुजीत, ये किस लिए होता है? ZPD क्यों होता है? ये इससे पेंटोग्राफ को अप एवं डाउन किया जाता है। और ये VLDJ होता है, ठीक इसी तरीके से सारे स्विच लगते हैं। और इस पैनल को बोलते हैं ए पैनल, और ये होता है आपका बी पैनल, और ये तीसरा होता है सी पैनल। इसमें ये होती है स्क्रीन जिसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो वो दिखाते हैं, बाकी ये सारे उसके स्विच लगे होते हैं। और ये है ZLF-ZLR जो कि मार्कर लाइट का होता है, W मतलब वाइट और R का मतलब रेड, और ये होता है फ्लैशर लाइट का, ये होता है स्पीड मीटर। मॉडिफिकेशन की वजह से अभी कुछ पार्ट्स इसके खुले हुए हैं। यह होती है ALP की सीट और इसके ऊपर लगा होता है AC जो कि गर्मी से राहत के लिए होता है। AC के अलावा इसमें फ़ैन भी लगा होता है एवं ठंडियों से बचने के लिए इसमें हीटर का प्रयोग होता है। ये पूरा हम आपको दिखा देते हैं, और ये होता है GPS ट्रैकर। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इसके गेट के अंदर। आप जैसे ही मशीन रूम में प्रवेश करेंगे, आपको HB, SB, FB बाकी सारे पैनल्स दिखाई देते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, जिसमें बहुत सारी MCV और कनेक्शंस लगे होते हैं जिन्हें मॉडिफिकेशंस के दौरान चेक किया जाता है कि इनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर कोई फॉल्ट मिलती है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, जिन्हें बहुत ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से चेक करना पड़ता है, जो कि एक भारतीय रेल में टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। यह होता है FB पैनल, इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्टर लगे होते हैं जिन्हें 8.1, 8.2 के नाम से जाना जाता है, एवं RChute लगे होते हैं, और नीचे जो लगा होता है वो 8.41 होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएँ। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।